बरसाती फूल गोभी की उन्नत खेती। हमारे किसान भाई यदि बरसाती फूल गोभी की खेती करते हैं तो एक एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए कम से कम एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब आप भी फूल गोभी की खेती करने की सोच रहे हैं बरसात पर, तो खेती कैसे करें, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, तो इनके बारे में भी दोस्तों आपको पहले ही बतलाने वाले हैं उनका उपाय और ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए, क्योंकि फूलों का साइज अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसके लिए क्या हम कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करें, कौन से ज़रूरी काम करें और अधिक उत्पादन निकालने के लिए, खासकर जो फूल का जो दोस्तों साइज है ठीक तरीके से फूल डेवलप हो, तो इसके लिए कब कौन से स्प्रे लेने चाहिए, बेसल डोज पर कौन सी खादों का हमको प्रयोग करना चाहिए, कौन सी अच्छी किस्म है, क्योंकि भारत भर में तो सैकड़ों वैरायटी हैं, बेस्ट वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई यदि बरसात के दिनों पर बरसाती फूल गोभी की खेती करते हैं तो जानकारी के लिए आपको बतला दें दोस्तों 40 रुपये से लेके 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है बरसाती फूल गोभी में। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी हैं अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, समय के हिसाब से सीजन के हिसाब से अलग अलग किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो यह जो फसल है कॉलीफ्लावर की, फूल गोभी की जो क्रॉप है, इसमें कुछ ऐसी वैरायटी हैं टेम्परेचर बढ़ने पर कुछ वैरायटी सहनशील नहीं रह पाती हैं, कुछ किस्में ऐसी हैं जो गर्मियों पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के कारण, क्योंकि यह जो क्रॉप है काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा या फिर ज़्यादा बरसात होगी, तो जो वैरायटी हैं उसके हिसाब से ही वैरायटी तैयार की जाती हैं। तो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों हम बात करते हैं। यदि आप मई जून पर अंगेती फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो आप बरसात के लिए और ख़ासकर मई जून के लिए जो वैरायटी हैं फूल गोभी की, NS नामधारी सीड्स की 133 जो वैरायटी है, इसको आप जून महीने पर यदि नर्सरी तैयार करते हैं तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्र के नाम से आती है, CFL 15-22 के नाम से आती है और एडवांटा गोल्डन सीड्स की ADV 1400 जो वैरायटी है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा वेलकम सीड्स की जो 103F के नाम से आती है एवं सकाटा कंपनी की वाइट ग्लोरी जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो यह जो 5-6 किस्मों के नाम दोस्तों हमने बतलाए हैं, यदि आप मई जून पर अंगेती फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जुलाई और मध्य अगस्त तक नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जुलाई और मध्य अगस्त के लिए जो वैरायटी हैं दोस्तों, जैसे नामधारी सीड्स की 555 के नाम से आती है, वेलकम की 808 है, इसके अलावा NHCFL 1024 वैरायटी को लगा सकते हैं, इसके अलावा वेलकम की 505 है और हाईवेज की दामनी वैरायटी यदि आप जुलाई अगस्त पर खेती कर रहे हैं तो इन वैरायटी को लगा सकते हैं, खासकर जुलाई महीने पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसके अलावा अक्टूबर और दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो अच्छा उत्पादन कौन सी वैरायटी दे सकती हैं, जैसे वेलकम की रुस्तम F1 आती है, GS85 वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की लकी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अधिक गर्मियों पर आप खेती कर रहे हैं और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं फरवरी मार्च पर आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं, गर्मी पर आप इन वैरायटी को लगाएं दोस्तों, जैसे सिजेंटा कंपनी की CFL 15-22 जो वैरायटी है गर्मियों के दिनों पर सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। CFL 15-22 का दोस्तों जो फूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ रहता है और गर्मियों के दिनों पर काफ़ी सहनशील यह वैरायटी है। इसके अलावा नोबल सीड्स की हैप्पी 101 के नाम से आती है, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी में से एक है, लेकिन गर्मियों के दिनों पर खासकर दोस्तों आप फरवरी मार्च पर नर्सरी तैयार कर रहे खेती कर रहे हैं तो सिजेंटा कंपनी की CFL 15-22 को लगा सकते हैं। तो किसान भाई कमेंट्स करते रहते हैं कि अंगेती फूल गोभी की मई जून पर खेती कर रहा है कौन सी वैरायटी लगाएं, उसका कॉन्सेप्ट हमने अलग समझाया, यदि आप जुलाई और मध्य अगस्त पर खेती कर रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट, उनकी वैरायटी हमने
उन्होंने अलग बतलाई। और यदि आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में खेती कर रहे हैं तो उन वैरायटी को आप लगा सकते हैं जो कि हमने आपको वीडियो पर बतलाया है, और अधिक गर्मियों पर क्योंकि टेम्परेचर जब हाई रहता है तो ऐसी कंडीशन पर आप नोबल सीड्स की हैप्पी 101 या फिर सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं समय के हिसाब से, यदि आप समय के हिसाब से अंगेती पछेती खेती करते हैं, बरसात पर खेती करते हैं, गर्मियों पर खेती करते हैं, तो जो वैरायटी का चुनाव है और सीड सेलेक्शन है उसके हिसाब से ही आपको सीड सेलेक्शन करना चाहिए। तो ध्यान आपको रखकर यदि फूलगोभी खेती करेंगे, वैरायटी का चुनाव करेंगे, तो बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। वैरायटी जो होती है दोस्तों वो क्लाइमेट्स कंडीशन टेम्परेचर को ध्यान में रख के यदि आप खेती करेंगे। कई क्षेत्रों का दोस्तों जो टेम्परेचर रहता है वो दिन का टेम्परेचर अलग और रात का टेम्परेचर अलग रहता है। टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। तो जो अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी हो उस वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। बाकी दोस्तों कितने सालों से आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और आपने अभी कौन सी वैरायटी लगा रखी है, या फिर जो भी आपने वैरायटी का चुनाव करते हैं या फिर जो भी वैरायटी आप लगाते हैं उसका उत्पादन अच्छा मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में आप उस वैरायटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि अन्य किसान भाइयों की भी मदद होने वाली है। तो सीजन के हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से हमने बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में डिटेल से समझाया। यदि आप प्रॉपर DBM या फिर पत्ती खाने वाली इल्ली का कंट्रोल प्रॉपर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप बरसाती दिनों पर दोस्तों फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो सही टाइमिंग है खरीफ सीजन के लिए वो है मई जून और जुलाई का जो मंथ है, जो समय है दोस्तों काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो ध्यान रखिए मई जून और जुलाई इन तीन महीने पर दोस्तों पौधरोपण करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फसल तैयार होने वाली है। अब नर्सरी तैयार के ऊपर बात करें, क्योंकि नर्सरी तैयार करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि नर्सरी तैयार होने में 25 से 26 दिन के आसपास का समय लग जाता है। तो अब बरसात, वैसे भी ज़्यादा बरसात होती है तो सेड नेट खींच लीजिए कुछ इस प्रकार, और प्लास्टिक प्रो ट्रे में ही आपको नर्सरी तैयार करना है। इजीली तरीके से 25 दिन पर 25 डेज पर आपकी स्वस्थ पौधशाला तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आपको एक एकड़ में 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और एक पैकेट पर 2000 सीड्स की क्वांटिटी होती सीड्स की। इसके अलावा अब नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करें प्लास्टिक प्रूफ ट्रे में, और इसके लिए बर्मी कंपोस्ट और कोकोपेट खाद की आवश्यकता पड़ेगी। यानी बर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम और कोकोपेट खाद 25 किलोग्राम, इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है। और जब नर्सरी आप तैयार करेंगे तो फंगस लगने की समस्या बढ़ जाती है कब, बरसाती दिनों पर। तो इसके लिए CM75 कार्बेंडाजेब और मैंकोजेब जैसी UPL की साफ फंगिसाइड आती है 200 ग्राम इसी मिश्रण पर ले लीजिए और ठीक तरीके से मिक्स करके दोस्तों आपको एक एक बीजों की इस प्रकार जो कि वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार दोस्तों आपको एक एक बीजों को भर देना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार कोकोपीट की एक लेयर बिछा दीजिए और मल्चिंग पेपर में 3 से 4 दिनों के लिए कवर करके रख दीजिए। और फिर उसके बाद 4 दिन बाद कुछ इस प्रकार सेड नेट जो खींची है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हो, कुछ इस प्रकार खींच लीजिए। सस्ते पर घर पर ही तैयार करें प्लास्टिक प्रोट्रे विधि से नर्सरी, ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्च पर फूल गोभी की खेती एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक है, और ख़ासकर बरसाती दिनों पर फूल गोभी खेती करें और अच्छी कमाई आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार आपको जो सेड नेट खींची वहाँ पर पौधे को निकाल के, यानी जो आपकी प्रोटेर है उनको निकाल के रख दीजिए और सुबह शाम सिंचाई करिए। अब सिंचाई तो कर रहे हैं लेकिन फंगस की समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, रोको फंगिसाइड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से स्प्रे करें। और यदि कीटों का प्रकोप है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना है कि नीम ऑयल या फिर इमिडाक्लोफेनाक और थर्मोथॉक्सोन, इनमें से कोई भी एक का स्प्रे कर देंगे तो फिर जो लगने वाले कीट फंगस डिजीज आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो पौधा अच्छे से स्वस्थ हो तो प्रॉपर देखभाल करें, प्रॉपर सिंचाई करें। तो इस हिसाब से वर्मी कंपोस्ट यदि आप कोकोपीट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और इससे दोस्तों पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहेगा
और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास हो पाएगा। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करें और जब नर्सरी 4 से 5 इंच की हो जाए दोस्तों, तब आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आप नर्सरी घर में ही तैयार करें, पौधरोपण करें और बरसाती दिनों पर काफ़ी अच्छी फूल गोभी की क्रॉप से कमाई करें। प्लांटेशन और प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो आपको देखिए पौधरोपण करने से पहले आपको समझना होगा कि पौधरोपण करते समय कौन सी खाद दें और जो हम खादों के नाम बतलाएंगे, जो बेसल डोज बतलाएंगे, वो अच्छे से काम करें। तो इसके लिए बेड तैयार करें, बेड मेकर है, फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखिए। अब बरसात के दिनों पर दोस्तों जल भराव बहुत बड़ी समस्या है, तो उन खेतों का चुनाव ना करें जहाँ वर्षा हो जाने के बाद ज़्यादा देर तक पानी खेत में ठहरता है। यदि ज़्यादा भराव होता है जल का, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि दोस्तों आप फूल गोभी की जगह धान को भी लगा सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान आपको रखना चाहिए। तो जो बेसल डोज है दोस्तों, तो इस समय आपको इस्तेमाल करना है गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली एक एकड़ में, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ओ पोटास 30 किलोग्राम, रिजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स कर लीजिए। और अच्छी पैदावार के लिए सरसों की खली 5 क्विंटल भी इसके साथ मिक्स कर लीजिए। और ठीक तरीके से बेड जब तैयार कर रहे हैं उस समय बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार कराना चाहिए। 16 mm ड्रिप को बिछवा दीजिए और 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बेस्ट है। कितना डिस्टेंस पर पौधरोपण करें, तो पौधरोपण करने से पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फील्ड पर अच्छी सिंचाई कर लीजिए। उसके बाद पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी है और 1 वेट पर डबल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। अब मल्चिंग नहीं है, ड्रिप नहीं है, तो अभी आप फूल गोभी खेती कर सकते हैं। बेड विधि बनाकर, बेड तैयार करके आप खेती कर सकते हैं। तो यह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो देखिए दोस्तों, फूल गोभी में यदि आप बरसात के दिनों पर खेती करते हैं तो ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बरसात ना हो रही हो तो फिर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही स्वस्थ फसल तैयार होने वाली है। यदि फूल गोभी की आप खेती करते हैं तो प्रॉपर टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को चढ़ाएं, निराई गुड़ाई करें, कुल्पा की मदद से खरपतवार को खेत से बाहर करें, स्टी की ट्रैप भी लगा लीजिए। इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से खेती करें। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए दोस्तों, हमारी फूल गोभी की क्रॉप पर कई प्रकार की बीमारी आती हैं, और कई प्रकार की बीमारी तो आती हैं लेकिन जो ज़्यादा प्रकोप होता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाती हैं, तो वे कौन सी डिजीज़ बीमारी हैं आइए बात करते हैं। तो प्रमुख रूप से इंसेक्ट के ऊपर अगर बात करें तो पत्ती को खाने वाली इल्ली बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है, हम बात कर रहे हैं सेमी लूपर्स। इसके अलावा DBM है, RM है, तंबाकू इल्ली, सुंडी, वर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, एफिड जैसिड थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी, कैबेज मैगट्स, और वहीं फंगस पर लीफ स्पॉट है, विल्ट है, और विल्ट कौन सा, फ्यूजीरियम विल्ट, विलाइट पीलापन। और आपने देखा होगा दोस्तों, छोटे छोटे पौधे में समय से पहले ही फूल आ जाते हैं, उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है, फूलों का अस्त व्यस्त साइज रह जाता है। तो बीमारी, डिजीज, रोग कई हैं, तो इनका इलाज उपाय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए सुनिए और समझिए, फूलों का साइज अच्छा बने तो इसके लिए स्टार्टिंग पर खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो सरसों की खली और गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कैल्शियम बोरोन का इस्तेमाल करें, और प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ वनस्पतिक स्टेज पर दोस्तों यदि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। फूल गोभी की फसल पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी आती हैं, उनका इलाज व्यवस्थित तरीके से। यदि दोस्तों सुंडी का प्रकोप है, फॉल आर्मी बर्म, या फिर सेमी लूपर्स का प्रकोप है, या फिर तंबाकू इल्ली या बॉल बर्म, इनमें से कोई भी इल्ली सुंडी का प्रकोप है तो इनमें से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड डव एग्रोसंस की डेलीगेट 15 ml, या फिर सिजेंटा कंपनी की एबिसेंट 2 से 3 ग्राम, अदामा इंडिया कंपनी की फैले थोरा 35 ml, 30 से 35 ml, FMC की कोरेजन इंसेक्टिसाइड 6 ml, या फिर FMC की वेनिविया इंसेक्टिसाइड आपको 18 ml, इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप करते हैं। और खासकर सुंडी इल्ली के कंट्रोल के लिए, पत्ती को खाने वाली इल्ली के कंट्रोल के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर दीजिए। ये तो बात हो गई दोस्तों, हैवी इल्ली का प्रकोप है तो आप स्प्रे करें, लेकिन यदि प्रकोप
कम है या फिर प्रिवेंटिव में क्या स्प्रे कर सकते हैं, तो प्रोफेनोसाइपर का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, वीटा साइफ्लोथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं, एमामेक्टिन वेंजोएट का स्प्रे दोस्तों आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इन कीटों का प्रकोप है तो प्रिवेंटिव में आप इन कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, इनमें से कोई एक कीटनाशक वो भी 15 लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। एफिड जैसेड थ्रिप्स का प्रकोप है तो इनमें से कोई एक इमीडा क्लोरप्रेड और फिप्रोनल का जो कॉम्बिनेशन आता है 10 ग्राम आपको लेना है, जैसे घरडा कंपनी की पुलिस आपको लेना है 10 ग्राम इंसेक्टिसाइड है, और या फिर आप इस कॉम्बिनेशन का भी स्प्रे कर सकते हैं, बायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 10 ml और नुबान 25 ml, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन का यदि स्प्रे करेंगे 15 लीटर की दर से तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लीफ स्पॉट गलन की समस्या है तो आप बायर की एंट्राकोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। विल्ट की समस्या है, सूखने की समस्या है तो एलेट या फिर रोको फंगिसाइड दोनों में से कोई एक को 2 लीटर पानी घोल करके 500 ग्राम इनको ड्रिंचिंग कर देना है, सोयल एप्लीकेशन चला देना है। यदि दोस्तों बरसात के दिनों पर फूल गोभी की बढ़वार ना हो रही हो माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद देने के बाद भी, तो इसके लिए क्वांटिस या फिर पोषक सुपर दोनों में से कोई एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर दीजिए। या फिर दोस्तों पीलापन की समस्या हुए तो इसके लिए प्लांटेशन के समय यूरिया है, जो गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, इनका इस्तेमाल करेंगे, सरसों की खली का इस्तेमाल करेंगे तो पीलापन की समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इन केस आ जाती है तो वनस्पतिक बढ़वार के समय कैल्शियम नाइट्रेट दोस्तों आपको लेना है 15 किलोग्राम और बोरॉन दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम, दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो। लेकिन आप ड्रिप विधि से खाद छोड़ते हैं तो फिर 2 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 500 ग्राम बोरॉन को ही आपको छोड़ना चाहिए। प्रॉपर साफ सफाई रखें, निराई गुड़ाई करें, पीलापन की समस्या नहीं आने वाली है। तो इस हिसाब से फसल की केयर करते रहें, और फूलों का अस्त व्यस्त साइज होता है तो वनस्पतिक अवस्था में ही ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट खादों का इस्तेमाल करें, प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर निराई गुड़ाई करें और प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, वनस्पतिक बढ़वार अच्छी होगी तो फिर फूलों का साइज बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं होने वाला है। कैबेज मैगेट्स के लिए आप फिप्रोनल या फिर कार्बोफ्यूरॉन का दोनों में से कोई एक 3 किलोग्राम लेना है, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है खाद के साथ। तो इस हिसाब से किसान भाई आप लगने वाली फूल गोभी की फसल पर रोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि दिनों के हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है और जो भी हम स्प्रे बतलाएंगे वो 15 लीटर की दर से बतलाएंगे और सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 15 से 18 दिन की फसल होती है तो M45 40 ग्राम और इमीडा क्लोरप्रेड जैसे कॉन्फिटोर आती है 10 ml, इन दोनों को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि फूल गोभी की क्रॉप के जो पत्ते होते काफ़ी सरफेस होते हैं, चिकने होते हैं, तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो स्प्रे है 25 से 28 दिन की फसल होती है, थर्ड स्प्रे 35 से 38 दिन, फोर्थ स्प्रे 45 दिन के आसपास की फसल होती है और पांचवा जो स्प्रे है 55 दिन के आसपास की फसल होती है। एम्पलीगो, नीम आर्क और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा छठवा जो स्प्रे है 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो अदामा की बाराजाइट और करजट फंगिसाइड और सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन तरीके से लगने वाले कीट रोग बीमारी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी। तो दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से स्प्रे शेड्यूल बतलाया है वो आपको 6 स्प्रे शेड्यूल बतलाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 6 के 6 आप फॉलो कर लें, बल्कि आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हर जगह एक ही खेत की जो सॉइल होती है दोस्तों वो समान नहीं रहती, यानी अलग अलग रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो फॉर्मूलेशन है भूमि के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम और टेम्परेचर क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से रोग बीमारी का प्रकोप अलग अलग भी हो सकता है। तो इसके लिए यदि रोग बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है तो इस शेड्यूल को लॉजिक के साथ इस्तेमाल और यूज़ कर सकते हैं, और प्रकोप कम है तो फिर इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि अंतर और गैप को बढ़ा भी सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि रोग बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है तो बीमारी के हिसाब से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों विधि बतला दी। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि आप आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बरसाती दिनों पर भी आप, जैसे आप सर्दियों के दिनों पर फूल गोभी को ग्रो करते हैं उसी हिसाब से यह फसल ग्रो होने वाली है, बस शर्तें प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट खाद है
18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया, सल्फर और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड खाद 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन खादों को जड़ों से 5 से 6 इंच दूर देकर सिंचाई करनी चाहिए, वो भी प्रति एकड़ की दर से। थर्ड खाद 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो कि आप वीडियो पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन और थर्ड कॉम्बिनेशन दिन देख रहे हैं, लेकिन जो अंतर देख रहे हैं तीन तीन दिन का फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन और थर्ड कॉम्बिनेशन, इस हिसाब से एक दिन में एक खाद आपको चलानी चाहिए। और आवश्यकता अनुसार यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बेहतरीन तरीके से लाभ मिलने वाला है। एक दिन में एक खाद चलानी है और लगभग लगभग दोस्तों आपको 3 से 4 दिन का अंतर रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको जो व्यवस्थित तरीके से बरसाती फूलगोभी के बारे में जानकारी शेयर की। यदि आप बरसाती दिनों पर भी फूलगोभी खेती करते हैं, मल्चिंग नहीं है, ड्रिप नहीं है, तो ईजिली तरीके से बेड विधि से आप खेती करें, जल भराव ना हो, तो सफलतम तरीके से आप यदि प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, केयर करते हैं, देख रेख करते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से फसल तैयार हो जाएगी और काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा लागत के ऊपर बात करते हैं तो एक एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो एक एकड़ में कम से कम 100 से 130 क्विंटल पैदावार होने वाली है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 110 से 120 दिन के आसपास का समय चाहिए। यदि हम नर्सरी से यदि कैलकुलेट करें तो 4 महीने के आसपास का समय लग जाता है। जो फूल तैयार हो जाते हैं, पूर्ण विकसित हो जाते हैं, उनकी कटिंग करके, हार्वेस्टिंग करके अपनी लोकल मंडियों पर आपको बिक्री कर देना चाहिए। और जो बाज़ार भाव हैं दोस्तों हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप खेती कर रहे बरसाती तो 40 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में ही आपको रेट मिलने वाला है। यदि मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो फूल गोभी की यदि आप खेती करते हैं बरसाती दिनों पर, बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं, तो आप एक एकड़ से 3.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये आप कमाई कर सकते हैं। यदि नर्सरी के जो 30 दिन दोस्तों निकाल दिए जाएं तो ये मान लीजिए मात्र 90 दिन पे फूल गोभी की क्रॉप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दिलाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की कि कैसे आप अंगीती फूल गोभी खेती कर सकते हैं, बरसाती फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो कॉलीफ्लावर की संपूर्ण जानकारी शेयर की। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं तो कॉमेंट सेक्शन खाली है। मिलते हैं इसी प्रकार नई नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।